जो बीओपीपी वोवन बैग्स है, हाँ? आज के दिन हमारी कैपेसिटी है 1 करोड़ बैग महीने की 1 करोड़ बैग, ओके। जिसमें से 80 लाख बैग हम लोग बॉटम बैग बनाते हैं, ओके, एंड 20 लाख बैग हम हैंडल बैग बना सकते हैं। ये बेसिकली हमारी कैपेसिटी है। इसमें इन एडिंग टू इट वी हैव सेवरल फिनिशेस, ओके। एक फिनिश आती है बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ बीओपीपी दैट वी यूज, ओके, व्हिच इज वेरी नॉर्मल and anyone can do it, okay. That is glossy BOPP है कि matte है, okay, कि metallized है, कि holographic है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अनलिस्टेड कंपनीज और हिडन अपॉर्चुनिटीज के खोज में आज हम पहुंच चुके हैं दिनमैन पॉलीपैक्स प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि बीओपीपी लैमिनेटेड ओवन बैग्स बनाती है, जिसका यूज फूड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जानते हैं इनके बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इनके प्रोडक्ट के बारे में। चलिए मिलते हैं इनके प्रमोटर मिस्टर मंजीत बैती से। चलते हैं। आज आपको पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताएंगे। हम लोग बेसिकली टेप एक्सक्लूड से फिनिश बैग का पूरा प्रोसेस अपने यहाँ। अच्छा, तो रॉ मटेरियल क्या होता है इसका? रॉ मटेरियल पीपी ग्रैनुल्स, पीपी ग्रैनुल्स से फिर मतलब सूता बनता है। पीपी ग्रैनुल्स सूता, चलिए आपको दिखाऊं। तो इतनी साउंड क्यों है यहाँ पे? साउंड बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है, जो एक्सक्लूडर में जो है अच्छा, तो अकॉर्डिंगली
प्राइमरी रॉ मटेरियल जो पीपी जो जैसे आप देख रहे हैं तो हल्दिया से ले रहे हैं, हाँ हाँ, और उसमें अगर कलर है फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ग्रीन बन रहा है राइट, तो उसके लिए ग्रीन मास्टर बैच ऐड किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे ग्रीन मास्टर बैच ऐड किया तो ये ग्रीन लिख लेगा। यहाँ पे हम लोग मिक्स करके डिपेंडिंग ऑन द रेशियो मिक्स कर दिए, ये ऑटोमेटिकली ऑटो ऑफ ऑन होने से मशीन में काम किया। अच्छा, फिर ये एक्सट्रूजन में डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एक्सट्रूजन में फीड हो रही है। ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रूज होगा। अच्छा, वापस से जब एक्सट्रूजन में आता है अंदर टू एनवायरमेंट है इसमें दिस मेल्ट्स द ग्रैनुल्स एंड देन इट इज एक्सट्रूजन आउट ऑफ द हीट डाई। सो द हीट इज कंट्रोल्ड। यस इट इज, देन इट कम्स आउट ऑफ शीट। अच्छा, इट इज कमिंग आउट ऑफ द शीट। सो दोस ग्रैनुल्स आर कमिंग आउट एज अ शीट। क्योंकि हम हरा मास्टर बैच यूज किए थे इसलिए ग्रीन कलर में लिखे यहाँ पे आके डिपेंडिंग ऑन आवर के बिट निकलाना। ओके, देखिए नाइफ से है। अच्छा, ये नाइफ से है। नाइफ है, इट इज कट इनटू टेप। ये टेप इवेंचुअली आगे आपको देखेंगे वाइन जो होगी बॉबिन में इट गोज इनटू द लूप। ओके, सो ये टेप में अब कन्वर्ट हो गए क्योंकि ये नाइफ ने इसको जिसको हम अगर बोले तो सूता में सूता बन गया। करेक्ट। अगेन यहाँ पे भी रोलर है जिसमें हीट है, ये हो के जितने टेप्स है ये यहाँ पे क्या हो रहा है इस सेक्शन में? यहाँ पे बेसिकली आप इसको ठंडा कर रहे हैं। बताइए। एंड इसके बाद देखिए रेवोल्यूशन प्रोसेस स्ट्रेंथ दिखता है। ओके, यहाँ पे भी सभी रेवोल्यूशन होता है। ओके, इसका स्ट्रेंथ चेकिंग हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ चेकिंग है। ओके, इट इज कमिंग टू द राइट डिजायर। ओके, तो ये एक एक अलग अलग टेप हो गए। यहाँ पे आके कटिंग अनवाइंडेड इन बॉबिन, इसको क्या बोलते हैं? बॉबिन। बॉबिन। ओके, तो ये बॉबिन में ये मतलब रोल हो जा रहे हैं। बेसिकली ये अंदर वाला तो चीज पाइप बोलते हैं हम लोग, इसके ऊपर लपेट हर एक तो टेप यहाँ पे कनेक्टेड है ये सारे से और वो रोल हो रहे हैं और ये ऑटोमेटिक हो रहे हैं। इतने सारे रोल हो रहे हैं ये अब कितने यूज होंगे? ये सारा जाके अपने लूम को जाके रखेंगे। लूम लूम। ओके, अपने अभी हम लूम सेक्शन में जा रहे हैं। अभी अपने लूम सेक्शन में जा रहे हैं। तो वो जो टेप अपने लूम सेक्शन में आए, ये जो लूम सेक्शन में टेप ले आए, इसको कैसे अपने प्रोसेस कर रहे हैं ये लूम में फिर टेप, मतलब वो बेसिकली हाँ। इसमें टेप जो बॉबिन्स हैं वो हाँ, पिल्स है। में लगता है लूम के शटल में लगता है। अच्छा ठीक है, इसे वॉप और वेफ्ट आती है। ओके, उससे वीविंग होके अच्छा आपका फैब्रिक बन रहा है। ओके, तो वो वीव हो जा रहा है वो पूरा राउंड जो आप हमारा जो लूम है हाँ, उसमें बेसिकली इसको सर्कुलर लूम बोलते सर्कुलर लूम बोलते हैं। ओके ओके, तो जैसे आपने देखा था वो शटल जिस हिसाब से सर्कुलर मोशन में जा रहा है, हाँ सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो उससे पूरा एक कंप्लीट बैग निकल जाता है, उससे कंप्लीट फैब्रिक निकल फैब्रिक निकलता है। ओके, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, तो अब बेसिकली एज अ कंपनी इफ यू रिक्वायर्ड यू कैन जस्ट सेल दिस वन। ओके, फैब्रिक भी सेल कर, फैब्रिक भी सेल कर, लेकिन इससे जो बैग बनता है अपने वो बैग भी बनाते हैं। हम उसके ऊपर जो काम करते हैं वो प्रिंट करते हैं
वो भी यही होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। जिस बीच में एक धागा बनता है, जो टेप जो बनती है, टेप का अपने नाम के लाभ में तस्वीर करते हैं। अच्छा, जो धूम जो टेप प्लांट है वो टेप आदमी से कम करते हैं, जल से जल इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि वेट लेना है, 25 किलो है कि 50 किलो है कि 5 किलो है, क्योंकि नॉर्मली हैंडलिंग क्या होती है, लोग माथा से पटकते हैं। उसके लिए आपका डेडिकेटेड लैब है जहाँ आपको टेस्ट करें। और ये वर्जिन एकदम नेचुरल निकल रहा है व्हाइट, इसमें कोई भी कलर कोई भी डिजाइन हो तो कर सकते हैं। व्हाइट के लिए भी हमको ऐड करना पड़ता है, व्हाइट ऑल्सो नेचुरल अगर कोई कपड़ा है जेन्युइन नेचुरल तो इसमें कोई भी मास्टर बैच नहीं, ये खाली अब हम लोग यहाँ से क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ से अपने नेक्स्ट आएंगे प्रिंटिंग। प्रिंटिंग तो थोड़ा साउंड का इतना साउंड हो रहा है वहाँ पे, आपको साउंड पीस क्योंकि वहाँ पे लूम नहीं रहे। अभी तक हमने दो तीन प्रोसेस देखा, एक तो रॉ मेटेरियल से कैसे आपका टेप बनता है, टेप से कैसे बॉबिन बोलते हैं उसको, उसमें कैसे वो टेप रोल होके फिर फैब्रिक में आता है, लूम लगने के बाद फैब्रिक। और इसके बाद आई विल शो यू की कंप्लीट प्रोसेस हाउ टू मेक, हाउ वी मेक ब्यूटीफुल वोवन बैग। उसके बाद में आप लोग को, आपको मैं लूम दिखाऊंगा लीनो बैग। बैग में से मेरे को ध्यान आया एक पॉइंट बोलना था। हाँ बोलिए। जो BOPP वोवन बैग्स है, आज के दिन हमारी कैपेसिटी है 1 करोड़ बैग महीने की, महीने की 1 करोड़ बैग, जिसमें से 80 लाख बैग हम लोग बॉटम बैग बनाते हैं, ओके, एंड 20 लाख बैग हम हैंडल बैग बना सकते हैं। ये बेसिकली हमारी कैपेसिटी है। इसमें इन एडिंग टू इट वी हैव सेवरल फिनिशेस। ओके, एक फिनिश आती है बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ BOPP दैट वी यूज, ओके, व्हिच इज वेरी नॉर्मल एंड एनीवन कैन डू इट, ओके, दैट इज ग्लॉसी BOPP है कि मैट है, ओके, कि मेटलाइज है कि होलोग्राफिक है। हाँ, और इसमें भी टू ऐड वो प्रोसेस भी आगे दिखाएंगे। ओके, हम लोग मेटलाइज BOPP को नॉर्मल ग्लॉसी BOPP के साथ भी लैमिनेट खुद ही करते हैं, वो भी प्रोसेस अपने इनहाउस ही है। अच्छा, वो भी हम देखने वाले हैं। हाँ जी। एंड बैग मेकिंग में भी, जैसे मैं बॉटम बैग बोला, इसमें भी एक है पिंच बॉटम, एक है ट्यूबर बैग, ये सबसे सर्टन फिनिशेस अलग आती हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गसेट्स, ऑफ सेंटर गसेट, तो बैग का लुक एंड फील बिकम्स डिफरेंट, जो कि मैं आपको एज अ फिनिश बैग अलग अलग दिखाऊंगा कि डिफरेंट फिनिशेस क्या है। So, a customer has the flexibility of getting different kind of products finished. And essentially, kya hai? What are we helping people? We are helping people in branding their products. Absolutely. And sell accordingly in the market. Yeah. So, but the size, the minimum size is 5 kg. That remains same. Minimum size is 5 kg. Okay. Because we have that limitation in the looms. Okay. Looms mein usse patle chaudhai ki हम वीव नहीं कर पाए। समझ गया। तो वो लूम के हिसाब से आप 5 किलो है उससे ऊपर ही बना पाएंगे। अभी जो हम लोग चल के आए वो वहाँ से, तो इतना वैकेंट स्पेस आपका अभी भी है, तो यू हैव लॉट ऑफ स्पेस फॉर एक्सपेंशन। अभी यही हम लोग के अब नेक्स्ट प्लानिंग में है, नेक्स्ट एक्सपेंशन पैकेजिंग एस्पेक्ट में और क्या चीज में हम जा सकते हैं। एंड हमें 2-3 एडवांटेजेस है। एक, द लैंड अवेलेबल दैट वी हैव, एंड इन एडिशन वी हैव सरप्लस 1 MW पावर। Okay. And 1 MW power will be DVC ka. Okay. Which the advantage that we have, not only it is one of the best in the state in terms of the quality of power, but it is economical as well. Right. So you have a lot of scope for expansion. Haan ji. And jo ki hum log plan ye kar rahe hain ki by the end of this financial year, we are already studying few projects. Okay. And then we will decide ki packaging line mein kis side mein humko badhna hai.
तो इसमें जो फिर कैपिटल इंटेंसिव भी होगा नेचुरली, तो वो कैपिटल के इंटरनल एक्रुअल्स या आप सोच रहे हैं कि बाहर से अभी तक हमने किया नहीं है, तो वी हैव नॉट वेंचर्ड दैट. इक्विटी पॉइंट भी, सेल्फ इक्विटी तो कोई इशू है नहीं, बट इफ समथिंग कम्स अप वी अंडरस्टैंड कि हमको हमारे बेनिफिशियल है, वी कैन ऑलवेज एक्सप्लोर. राइट राइट राइट. सो अभी हम लोग जा रहे हैं पैकेजिंग सेक्शन में, प्रिंटिंग सेक्शन. अभी हम लोग जा रहे हैं पहले प्रिंटिंग सेक्शन में, एंड प्रिंटिंग सेक्शन के बाद आपको लेके जाऊंगा पैकेजिंग सेक्शन. तो चले प्रिंटिंग सेक्शन. जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग एक प्रिंटेड बीओपीपी पैक बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 रोटोग्रेवर मशीन है, 5 रोटोग्रेवर मशीन विद कैपेसिटी विद कैपेबिलिटी टू प्रिंट अप टू 8 कलर्स. एंड बीओपीपी में हम रिवर्स प्रिंट करते हैं. ओके. रिवर्स प्रिंट करके फिर लैमिनेट होता है, तो इसका एक एडवांटेज और है हमारी बैग्स में कि इट इज प्रिंट कभी निकल नहीं सकता. इसमें भी कुछ एक में क्या होता है, मेटलिक फिनिश चाहिए. मेटलिक फिनिश के लिए हम लोग को ये प्रिंटेड बीयूपीपी के साथ में एक मेटलिक बीयूपीपी को लैमिनेट करना पड़ता है, जो कि एक अलग प्रोसेस है ड्राई लैमिनेशन का, वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो बेसिकली दिस इज द ड्राई लैमिनेशन मशीन. ड्राई लैमिनेशन, हाँ जी. ओके. यहाँ पे प्रिंटेड बीयूपीपी गेट्स लैमिनेटेड विद द मेटलिक बीयूपीपी. ओके. जो वहाँ पे अपने अभी देखे जो प्रिंट किए हैं, हाँ, वही आके यहाँ पे मेटलिक बीयूपीपी के साथ लैमिनेट हो रही है. इसमें तो फैब्रिक लग रहा है, लेकिन लैमिनेशन होना फिर भी जरूरी है टू गेट द मेटालिक इफेक्ट. अगर हम मेटलिक व्यूपॉइंट डालेंगे वो इफेक्ट नहीं आएगा. समझ गया. इसके बाद ये फिर फैब्रिक में लैमिनेट होगा. ओके. सो ये सारे जो प्रिंटिंग हुई है उस पे अपने लैमिनेशन लगवाए हैं. सारी में नहीं, डिपेंडिंग किस कस्टमर को चाहिए. ओके. सो ये लैमिनेटेड है इसलिए इसमें मेटालिक फिनिश आ रहा है. एग्जैक्टली. ओके. सो दिस यू डू डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर नीड. कस्टमर. ओके. So what next now? After this, depending on the size that we produce, okay. Supposing if it is a big size, it is a both side को हम लोग एक साथ अगर छाप रहे हैं, then it goes for slitting. 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 मतलब काटना. काटना. अच्छा ये जो पूरा है ये तो फोड़ हो जाएगा. 20 से कट जाएगा. जो कि अपने उधर देख रहे हैं आउटपुट में 20 से कट जाएगा. So everything that we have seen so far is automated. Everything. Everything automated. So ये slit होके दो रोड में front and back के लिए. Front and back के लिए हो गया. अब नाउ इसको स्टिच करने का काम रहेगा. अब इसको पहले लैमिनेशन करना पड़ेगा अपने लैमिनेशन सेक्शन में. चलो. ओके. ओके. सो इसको लैमिनेशन होगा फैब्रिक के ऊपर, जो फैब्रिक हम लोग देख रहे हैं लूम से निकल रही है उसके ऊपर लैमिनेशन. सो अभी तक हमने बीओपीपी वाला लैमिनेट कर लिया है, अब ये लैमिनेटेड जो है इसको हम फैब्रिक में जोड़ेंगे. उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों. उसके बाद फिर ये कन्वर्ट होगी बैग. ओके. चले चलो. ये भी वही दाना से ही बनता है. और इसका डिफरेंट बेस का दाना. ओके. तो ये ओके तो ये पूरा सूता बन के दिस यू यूज फॉर वीविंग फॉर स्टिचिंग फॉर स्टिचिंग फॉर स्टिचिंग ये यूज वेरी फाइन है. वेरी वेरी. तो अभी हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? अब हम लोग लैमिनेशन सेक्शन में आ गए हैं. लैमिनेशन सेक्शन. यहाँ पे बेसिकली आप जैसे अभी भी यहाँ पे आपको थोड़ा आवाज दिख रहा है, बिकॉज दिस इज नियर द लूम सेक्शन. ओके. अब लूम सेक्शन पे जो फैब्रिक है वो यहाँ पे आता है, एंड जो प्रिंटेड बीओपीपी है वो प्रिंटिंग सेक्शन पे इधर आती है. okay. फिर हम लोग इसको लैमिनेट करते हैं फैब्रिक के साथ. तो यहाँ पे जैसे फैब्रिक लगा हुआ है. ओके. यहाँ पे बीओपीपी लगा हुआ है.
ये BOPP है और ये फैब्रिक है, फैब्रिक है, इस पे प्रेस हो जा रहा है, ये फ्रंट एंड बैक दोनों प्रेस हो रहा है, फ्रंट और बैक दोनों में। ओके, तो मैं अंदर जाके देख सकता हूँ? तो ये BOPP और फैब्रिक दोनों लग चुका है, इसे एक साइड में लग गया है, एक साइड में लग गया, अब वो घूम के वापस दूसरे साइड में लग गया है, तो ये घूम के वापस इसी से घूम के आ रहा है और ये दूसरे साइड में। यहाँ पे जाके फाइनली वो बड़े रोल में वाइंड हो जाते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं पूरा जो लांगनी के रोल है वो यहाँ पे आते हैं। तो ये दोनों पीछे और बैक, आगे और पीछे दोनों साइड में लग गए। अब इसमें क्या काम बाकी रह गया? अब इसके बाद दे विल बी कन्वर्टेड इनटू बैक, कन्वर्टेड इनटू बैक, बैक। ओके, तो हम लोग अब वहाँ पे जाएंगे, अब बैक सेक्शन देन इट विल बी अ कंप्लीट प्रोडक्ट रेडी टू सेल। तो चलिए अभी लास्ट सेक्शन में चलते हैं।